नमस्कार, मैं प्रकाश वाले मौसम विज्ञानी मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो डीप डिप्रेशन गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, उसका आने वाले 24 और 48 घंटे में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ल्ड मूव करने की संभावना बनी हुई है। इसके चलते जो है ये मीन्स दो दिन के बाद जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आने की पूरी संभावना है। और मीन्स इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो मानसून ट्रफ दिल्ली से होते हुए मुजफ्फरपुर से होते हुए पर्टिकुलर जिस सेंटर ऑफ डीप डिप्रेशन की तरफ जाके आगे में जो है मीन्स कंप्लीट बंगाल की तरफ जा रहा है। उसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यूपी के ऊपर बना हुआ है, एक सौराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है। और इन्हीं सभी सिनॉप्टिक सिस्टम के चलते जो आप देख सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे का हमने पूर्वानुमान दिया है, 5 दिनों का पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। ये 15 तारीख को आप देख सकते हैं कि जो है थोड़ा सा मीन्स जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो डीप डिप्रेशन का मूवमेंट की वजह से बढ़ेगा, उसकी वजह से जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के खासकर जबलपुर शहडोल संभाग जो है यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। और पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है मेनी प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। इसके चलते जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में हमने ऑरेंज अलर्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो है मीन्स रेनफॉल की एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है और यहाँ पे 115 मिलीमीटर से ऊपर रेनफॉल बन सकता गिर सकता है। उसके साथ बाकी जो है प्रदेश में सेंट्रल मध्य प्रदेश और नॉर्थ मध्य प्रदेश में जो देख सकते हैं आप गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश में थोड़ी कम एक्टिविटी रहेंगी रेनफॉल की। और 16 तारीख को भी आप देख सकते हैं कि जैसे डीप डिप्रेशन थोड़ा आगे बढ़ के मीन्स वेस्ट एमपी की तरफ मीन्स ईस्ट एमपी की तरफ आएगा, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश के जो खास करके शहडोल संभाग और जबलपुर संभाग का साउथ ईस्ट पोर्शन जो है, जैसे कि यहाँ पे सिवनी उसके बाद छिंदवाड़ा बालाघाट मंडला और ये जो अनूपपुर शहडोल और डिंडोरी यहाँ पे जो है पूरा रेड अलर्ट दिया हुआ है। और बाकी जगह पे भी मीन्स ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कि ऑरेंज अलर्ट में सागर संभाग के अनेक जिले, रीवा संभाग के अनेक जिले कवर हो रहे हैं। रीवा हो गया, मंडला हो गया, मोगंज और मैहर हो गया, सीधी सिंगरौली, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे 115 मिलीमीटर हो सकता है और रेड अलर्ट में जो है 200 मिलीमीटर के ऊपर रेनफॉल होने की पूरी संभावना है। बाकी जगह पे जो है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में यहाँ पे भोपाल संभाग और बाकी मीन्स ग्वालियर संभाग का जो है साउथर्न पोर्शन जो है यहाँ पे कि गुना अशोकनगर और शिवपुरी है, यहाँ पे मीन्स येलो अलर्ट दिया गया है, जहाँ पे कि 65 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। यानी 16 तारीख को ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। अनेक मीन्स अति भारी है और कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी मीन्स होने की संभावना पूरी बनी हुई है। फिर 17 तारीख को आप देख सकते हैं, 17 तारीख को जैसे कि थोड़ा सा उसका जो मूवमेंट है डीप डिप्रेशन का आगे मीन्स बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पे जो है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। यहाँ पे 115 मिलीमीटर रेनफॉल होने की संभावना है। अति भारी वर्षा जो है भोपाल संभाग के अनेक जिले उसमें कवर किए, सागर संभाग के मोस्ट ऑफ द सभी जिले कवर किए गए, उसके साथ ही नर्मदापुरम संभाग के जिले कवर किए गए हैं। और यहाँ पे जो है मीन्स ग्वालियर चंबल संभाग के जो है मोस्टली शिवपुरी दतिया ग्वालियर गुना और अशोकनगर भी कवर किया गया है। यहाँ पे जो है ऑरेंज अलर्ट दिया गया, बाकी जगह पे जो है गरज चमक के साथ बौछारें होने की संभावना है। और मीन्स मालवा रीजन जो है नेमाड़ रीजन वहाँ पे भी गरज चमक के साथ येलो अलर्ट भी दिया गया है। ये 17 तारीख का होने के बाद 18 तारीख को जैसे वो मीन्स डीप डिप्रेशन का मूवमेंट आगे चले जाएगा तो यहाँ पे जो है पूरे प्रदेश में फिर से रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएंगी और यहाँ पे फिर वेस्ट एमपी में जो है मोस्टली येलो अलर्ट रहेगा वहाँ पे मीन्स देख सकते हैं आप, और गरज चमक के साथ भी बहुत सारे बाकी जगह पे गिरने की संभावना है। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।